हाँ जी बच्चे लोग कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक नया वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम महेश तिवारी है और स्कूल मेट लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुपर ट्रिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल सुपर ट्रिक लेकर आया हूँ भाई। किसके रिगार्डिंग? दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत लोगों को दिक्कत होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने में। तो अब भूल जाना है, अब वो चीज़ को भूल जाइए कि आपको किसी चीज़ को रटना है। अब रटने का जमाना गया। नो नीड टू लर्न, बिल्कुल नो नीड टू लर्न भाई। आज जो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सिंपल तरीके, दैट इज कॉल्ड सुपर ट्रिक। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान सकते हो, किस में ऑक्सीडेशन हुआ, किस में रिडक्शन होगा या हो रहा है, आप इजीली जान सकते हो। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए हमारे आज के वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये आपको पता ही होगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन भाई? तो एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस नोन एज प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, बिना केमिकल रिएक्शन हुए कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है भाई, है ना। तो सबसे जरूरी चीज है केमिकल रिएक्शन होना। तो ये केमिकल रिएक्शन ऑलवेज परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, कभी भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म कर सका है। क्या हो सकता है भाई? तो इट मे बी ऑक्सीडेशन, इट मे बी रिडक्शन और इट मे बी बोथ, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स, है ना। किसी भी रिएक्शन को देखिए तो आपके दिमाग में यही तीन चीज आना चाहिए। हो सकता है ये ऑक्सीडेशन हो सकता है रिडक्शन हो, और हो सकता है ये दोनों हो, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स, है ना। देन हाउ वी नो, हम लोग कैसे जानेंगे? तो है ना, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताया जाएगा भाई, जिस ट्रिक के थ्रू आपको है इजीली पता चल जाना। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाउ टू नो इज देयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इज एनी ट्रिक टू आइडेंटिफाई इट। बिल्कुल वी हैव ट्रिक टू आइडेंटिफाई इट, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। उसको शुरू करने से पहले एक तो ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है भाई। तो देखो यहाँ पर जो बच्चे लोगों को सिखाया जाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रट जाओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रट जाओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव आयन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी तरह से इधर भी आपको पांच दिया जाता है, और क्या कहा जाता है भाई, इन सबको रट जाओ। पर मैं आपको नहीं कह रहा कि इन सबको रट जाओ, ये 6-7 क्लास की बात थी जब रटाया जाता था। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ कर रखना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो दो पॉइंट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पर उससे पहले एक चीज को आपको बता देता हूँ, बेसिक पता होना चाहिए ना। बेसिक पता नहीं करोगे तो फिर आगे ट्रिक कैसे काम करेगा? तो जहाँ भी फंस जाओ वहाँ पर बेसिक ही काम आता है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ, यस, है ना। सुपर ट्रिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं भाई, लेट्स स्टार्ट। क्या भाई? तो पहला चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब 2 Mg + O2, 2 Mg O, वेयर इज दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना। ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ, C+O2 CO2, ये आपका क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाए। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ भी आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, देखो यहाँ पर H2S से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट बिकम्स S, इट मीन्स देयर इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी आप सेम चीज देख सकते हो, HCl, इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव हो गया, दैट बिकम्स Cl2, इट मीन्स दैट इज ऑक्सीडेशन। अगला एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, अगर वो एडिशन होता है, देखो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना, दैट इज S, Fe+S, दैट इज FeS, Cu+O2, दैट इज Cu2, दिस ऑल आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मान लीजिए कि एक्स नाम का कोई सब्सटेंस है जिसके ऊपर आपका -2 चार्ज है, -2 चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ये आपका एक्स जीरो बन जाए, इसका मतलब देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए सोडियम जो है बन जाता है सोडियम प्लस, इसका मतलब कि पहले 11 इलेक्ट्रॉन था जो चेंज होकर 10 इलेक्ट्रॉन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया आपका ऑक्सीडेशन।
अगला इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, भाई ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख लो, सी यू, सी यू के ऊपर पावर जीरो था, यहाँ पर सी यू टू प्लस हो गया, इसका मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, भी तो ऑक्सीडेशन ही करा रहा है ना। उसी तरह से एफ ई प्लस ओ टू, एफ ई ओ, यहाँ भी आपका पहले था इसके ऊपर चार्ज जीरो, बाद में चार्ज हो गया टू प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इतना आपको याद रखना है, इतना याद रख लोगे तो कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं फंसोगे, गारंटी। चलिए रिडक्शन को समझ लीजिए, रिडक्शन अब एग्जैक्टली उसका उल्टा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, सी यू ओ प्लस एच टू, सी यू प्लस एच टू ओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ किसका भाई, तो ऑक्सीजन का, है ना। नेक्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और जब भी ये होगा भाई तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली उसी तरह से देख लीजिए क्लोरीन में, क्लोरीन में आपका पहले था 17 इलेक्ट्रॉन, जो बाद में हो गया सी एल माइनस, सी एल माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसका मतलब कि रिडक्शन कहलाया। जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा मतलब रिडक्शन कहलाएगा। और लास्ट में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपका एन ए प्लस था, है ना, जो बाद में बन गया एन ए, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया ना, डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन कहलाया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए भी था, और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया। अब आते हैं ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है ना, ट्रिक की बात करते हैं भाई, ट्रिक क्या है। तो उससे पहले एक चीज़ आप जान ला जाइए कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि इज ए सब्सटेंस दैट काउजेज ऑक्सीडेशन, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और दैट काउजेज रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो जिसके कारण रिडक्शन हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलिए अब ट्रिक की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये ऑलरेडी इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बस आपको लास्ट का दो याद रखना है, लास्ट का दो याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये दोनों हो इसका मतलब रिडक्शन, और अगर ये दोनों हो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। किसी में भी आप चले जाओ आपको यही चीज़ मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, अगर मान लो रहता है सी यू प्लस ओ टू फॉर्म्स सी यू ओ, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको बॉय बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना सी यू के ऊपर कौन सा कितना चार्ज है भाई, दैट इज जीरो चार्ज ना, सी यू के ऊपर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज, और यहाँ पर आकर कितना चार्ज हो गया भाई, प्लस टू चार्ज, तभी तो माइनस टू हुआ, प्लस टू चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो सी यू जीरो था जो प्लस टू बन गया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग नंबर ना, ऑक्सीडाइजिंग नंबर मतलब जीरो था जो बढ़कर कितना हो गया, प्लस टू, इसका मतलब इसके बीच में क्या हो रहा भाई, ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा ना, जब आपका चार्ज बढ़ जाए इसका मतलब ही है कि ऑक्सीडेशन हुआ, जब आपका चार्ज बढ़ जाए इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखो यहाँ पर आते हैं O2 के ऊपर कितना चार्ज, जीरो, जो बाद में कितना हो गया भाई, तो माइनस टू, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई, रिडक्शन। अगर आपसे कोई कहे तो आप कह सकते हो कॉपर में क्या हुआ भाई, तो कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीजन में क्या हुआ भाई, तो ऑक्सीजन में रिडक्शन हुआ।
ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग एच सी एल प्लस ओ टू फॉर्म्स सी एल टू और प्लस एच टू ओ। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पावर जीरो, ऑक्सीजन के ऊपर पावर जीरो कितना, जीरो, और यहाँ आकर कितना हो गया माइनस टू। इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हुआ ना, क्लियर हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन यहाँ पर भी आप देख लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना ऑक्सीजन में, तो भी रिडक्शन, पर एज ए ट्रिक, ट्रिक के हिसाब से ये आपका रिडक्शन हुआ ना। अब दूसरा आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर पावर माइनस वन था जो बाद में कितना हो गया जीरो, तो माइनस वन जो है जीरो में बदल गया, माइनस वन किस में, जीरो में बदला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना, इसका मतलब इसमें क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेरे समझ से बच्चे लोग आप समझ गए होगे, समझ में आ गया होगा कहाँ पर क्या होता है, कहोगे तो एक और ले लेता हूँ मैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी प्लस ओ टू फॉर्म सी ओ टू, इसके ऊपर जीरो चार्ज और यहाँ आकर प्लस फोर हो गया, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ ना, जीरो फोर बन गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। अब यहाँ की बात करें तो इसके ऊपर पावर जीरो था, ये जीरो यहाँ आकर कितना बन गया माइनस फोर, इसका मतलब डिक्रीज हुआ ना, दैट इज रिडक्शन। अब मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आपको अब समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल के साथ बने रहो, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। चलिए, थैंक यू, गुड डे, पढ़ते रहिए।